हेलो स्टूडेंट, आई एम तनु शर्मा फ्रॉम GPC भरतपुर। आज के लेक्चर में हम 310 अर्थक्वेक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट सिक्स है आपके, कि एक रेनफोर्स्ड बिल्डिंग को आरसीसी बिल्डिंग को किस तरह से भूकंप प्रतिरोधी बनाया जा सकता है, यानी कि डक्टाइल डिटेलिंग इन आरसीसी बिल्डिंग। आरसीसी बिल्डिंग में आप किस तरह से डक्टाइल यानी कि रेनफोर्स प्रोवाइड करा के आप बिल्डिंग को भूकंप प्रतिरोधी बना सकते हो। तो देखिए, कोई भी आरसीसी बिल्डिंग होती है उसमें आपके मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और शियर वॉल। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है बीम प्रोवाइड की जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट से मेरा तात्पर्य है कॉलम, और तीसरा कंपोनेंट है शियर वॉल। तो आपको मेन इन तीन चीजों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है। तो इसमें हम इसे तीन चार लेक्चर में पूरा करेंगे। पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बीम को किस तरह से डक्टाइल किया जाए, बीम को किस तरह से रेनफोर्स किया जाए कि बीम जो है वो भूकंप प्रतिरोधी हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आरसीसी बिल्डिंग में कॉलम को किस तरह से रेनफोर्स कर सकते हैं कि वो भूकंप प्रतिरोधी बनाया जा सके, और इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे शियर वॉल के लिए क्या प्रोविजन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि बीम में किस तरह से रेनफोर्स प्रोवाइड कराया जाए कि वो भूकंप प्रतिरोधी बनाया जा सके। तो देखिए, आरसीसी में आप लोग पढ़ चुके हो कि बीम है, बीम में रेनफोर्स किस तरह प्रोवाइड किया जाता है, कॉन्क्रीटिंग किस तरह से की जाती है, ये सब आप आरसीसी में पढ़ चुके हो। लेकिन किस रेनफोर्स का क्या महत्व है अर्थक्वेक की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, वो हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए, बीम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सब लोग जानते हो। कोई भी बीम होती है वो आपके वर्टिकल मेंबर्स पर टिकी होती है, यानी कॉलम पर टिकी होती है। ठीक है, तो कोई भी बिल्डिंग आरसीसी बिल्डिंग जब बनाते हो तो आप केवल बीम या केवल पहले बीम बना के या पहले कॉलम बना के बिल्डिंग को नहीं बना सकते। आपको बीम और कॉलम का एक साथ पूरा फ्रेम बनाना होता है, उसके बाद आप उसमें कॉन्क्रीटिंग करते हो, देन शियर वॉल बनाते हो। तो यहाँ पे देखिए, आप ये बीम है जो कि ऑब्वियसली कॉलम पर टिकी हुई होगी। तो यहाँ पे आपको देखो, जो आप रेनफोर्स प्रोवाइड कराते हो उसमें दो टाइप के रेनफोर्स आप प्रोवाइड कराते हो। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य, ठीक है, और दूसरा है स्टिरप्स। स्टिरप्स पता नहीं, स्टिरप्स हिंदी में एग्जैक्ट क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, स्टिरप्स ही बोलेंगे इसको, हिंदी में भी आपको लिखा आएगा तो स्टिरप्स ही लिखा आएगा। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडनल प्रोविजन कैसे होता है, आपके कम से कम दो बीम नीचे की तरफ और दो बीम ऊपर की तरफ प्रोवाइड होनी चाहिए। जिस कैसे, देखिए, आपके एक बीम आपने इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य लंबाई की दिशा में प्रोवाइड कराओगे तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल बीम कहलाएगी। ये दो बीम आपने नीचे की तरफ, दो रेनफोर्स नीचे की तरफ और दो रेनफोर्स जो है ऊपर की तरफ प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपने रेनफोर्स प्रोवाइड कराया है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो इसका व्यास स्टिरप्स की तुलना में अधिक होता है, ये थोड़ी मोटी छड़ होती हैं। और स्टिरप्स क्या होता है, इन लॉन्गिट्यूडनल को बांधने के लिए जो आप रेनफोर्स प्रोवाइड कराते हो, इनको इस तरह से बांधते हो नियमित अंतराल पर, वो आपकी कहलाती हैं स्टिरप्स। इस तरह से आपने ये चार बीम बना दी, इनको इस तरह से
स्टिरप से जो आप बांधोगे, ये आप ही कहलाएंगे स्टिरप्स। तो ये छल्ले जो हैं जिससे आपने इन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स को जो बांध रखा है वो आपके कहलाते हैं स्टिरप। तो स्टिरप्स का व्यास लॉन्गिट्यूडनल की अपेक्षा कम होता है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे कि यहाँ पे फेलियर कौन कौन से होंगे, ये अर्थक्वेक के दौरान फेलियर की संभावना कौन कौन सी है, और उस फेलियर से बचने के लिए प्रोविजन किस तरह का रखें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का और स्टिरप्स का। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के फेलियर होने की संभावना है। फेलियर आप देखोगे तो पहला फेलियर होता हो सकता है बकलिंग। बकलिंग क्या होता है कि कोई भी बीम है वो बकल हो जाए, नीचे से मुड़ जाए, या कोई कॉलम हो गए, तो ये आपके बकलिंग फेलियर कहलाता है। तो देखिए बकल होते समय कोई भी बीम के दो फेस होते हैं, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस। तो देखिए नीचे वाला फेस जो खिंचाव में है, यानी कि ये फेस आपका कहलाएगा टेंशन फेस, टेंशन फेस। ऊपर वाला फेस जो है वो दबाव में है, कंप्रेशन में है, तो ये आपका कहलाएगा कंप्रेशन फेस। ठीक है, तो देखिए जब भी बकलिंग फेलियर होता है तो क्या होता है, आपके नीचे जो आपके फेस है वो आपके ज्यादा क्रिटिकल रहता है। तो आपके यहाँ पे आप रेनफोर्स प्रोवाइड कराते हो तो आपके यहाँ पे देखोगे यदि आपने आवश्यकता से अधिक रेनफोर्स प्रोवाइड कराया है तो फेलियर तो तब भी होगा, लेकिन उस केस में आपके स्टील तो मजबूत हो गई लेकिन कंक्रीट जो है वो वीक हो जाती है, यानी कि जो फेलियर होगा पहले कंक्रीट में होगा और बाद में स्टील में होगा। और यदि आप पर्याप्त मात्रा से कम स्टील प्रोवाइड कराते हो तो आपके स्टील जल्दी कमजोर पड़ जाएगी, टूटेगी नहीं कमजोर पड़ जाएगी, और कंक्रीट अधिक समय तक मजबूत रहेगी। तो इस तरह दोनों ही केस में आप ये नहीं कह सकते कि स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करा के हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं, आपको सही प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करना होगा। तो बकलिंग फेलियर में क्या होता है, टेंशन फेस पर बीच में मध्य गहराई तक क्रैक्स आ जाते हैं इस तरह से, बीच में मध्य गहराई तक क्रैक्स आ जाते हैं, आधे फेस तक टेंशन फेस तक यहाँ पे क्रैक्स दिखने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं बकलिंग फेलियर। ठीक है, बकलिंग फेलियर से बचाने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ये वाला, ठीक है, जो लंबाई में, लंबाई के अकॉर्डिंग जो अपन रेनफोर्समेंट देते हैं, मोटी छड़ जो देते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट किसके बचाव के लिए है, बकलिंग के बचाव के लिए। अब दूसरा आप देखोगे, दूसरा फेलियर होता है शियर फेलियर। शियर फेलियर देखिए, शियर फेलियर क्या है, शियर फेलियर जो है वो कॉलम के पास वाली जगह है जो होती है वहां होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके एक तिरछा 45 डिग्री कोण पर एक क्रैक आता है, उसे बोलते हैं शियर फेलियर। देखिए इस तरह से ये आपके कोई बीम बकल हुई है, ये आपका कॉलम हो गया। तो देखिए यहाँ पे कॉलम के पास इस तरह से कोई क्रैक है जिसका एंगल अब 45 डिग्री एंगल पर कोई क्रैक आता है मध्य गहराई तक, मध्य की ओर, तो ये आपके क्रैक कहलाता है शियर फेलियर। तो शियर फेलियर्स के बचाव के लिए हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टिरप्स प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो इस लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को बांधे रखे वो स्टिरप्स हम शियर फेलियर से बचाव के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ये अधिकतर कॉलम के नजदीक ज्यादा चांसेस होते हैं शियर फेलियर होने के। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि बकलिंग के दो तरह के फेलियर हो सकते हैं बीम में अर्थक्वेक के कारण, बकलिंग और शियर फेलियर। बकलिंग टेंशन फेस पर क्रैक्स आ सकते हैं, और शियर फेलियर में कॉलम के नजदीक आपके 45 डिग्री एंगल पर क्रैक्स आ सकते हैं। तो इनके बचाव के लिए हम बकलिंग के बचाव के लिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं और शियर फेलियर के बचाव के लिए स्टिरप्स प्रोवाइड कराते हैं। अब इनके प्रोविजन क्या है, इनका अंतराल कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे IS कोड 13920 के अकॉर्डिंग। IS कोड 13920 में आपके ये बीम में भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए किस तरह की डक्टाइल होनी चाहिए बिल्डिंग, किस तरह का रेनफोर्समेंट होना चाहिए, क्या प्रोविजन होने चाहिए, ये दे रखा है। कॉन्क्रीटिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हो IS कोड 456। तो इस कोड में जो प्रोविजन दिए हुए हैं हम ब्रीफ में इनको
समझेंगे कि क्या प्रोविजन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए हैं और क्या प्रोविजन स्टिरप्स के लिए हैं। तो देखिए पहले प्रोविजन हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टिरप्स के लिए, कि लॉन्गिट्यूडनल स्टिरप्स के लिए पहला प्रोविजन है कि कम से कम दो छड़े आपके नीचे की तरफ और दो छड़े ऊपर की तरफ पूरी लंबाई में प्रोवाइड करानी जानी चाहिए। ठीक है, पहला प्रोविजन तो ये है कि कम से कम दो छड़े नीचे की तरफ और दो छड़े ऊपर की तरफ बीम की पूरी लंबाई में प्रोवाइड करानी चाहिए। और दूसरा प्रोविजन है कि नीचे कॉलम के पास वाले सिरे पर, कॉलम के पास वाले सिरे पर नीचे निचले सिरे पर जो छड़े हैं, जो छड़ों का परिमाण है वो ऊपर के सिरे पर छड़ों के परिमाण से कम आधा तो हो ही हो, आधा या आधे से अधिक हो। देखिए दोनों प्रोविजन को हम एक डायग्राम में शो करते हैं। देखिए ये कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, ये कॉलम हो गया। तो देखिए आपके कम से कम दो छड़े बीम की पूरी लंबाई तक प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ऊपर की तरफ भी दो और नीचे की तरफ भी दो। यहाँ पे अपन ऊपर की तरफ शो नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने आपको बोल के बता दिया है। और दूसरा प्रोविजन कहता है कि कॉलम के पास वाले सिरे पर ऊपर की तरफ जो छड़ों का परिमाण है, जैसे एक छड़ यहाँ पे लगा दी है, एक यहाँ लगा दी है और एक यहाँ लगा दी है, ऊपर की तरफ छड़ों का परिमाण है उसको मैं सॉलिड फिल कर रही हूँ, बाकी को जो है मैं हॉलो दिखाया है। इस तरह से एक छड़ यहाँ हो गई, एक छड़ यहाँ हो गई। तो देखिए जो ऊपर की तरफ छड़े हैं उनके परिमाण का कम से कम आधा जो है परिमाण वो निचले सिरे पर होना चाहिए, कॉलम के पास की बात यहाँ हो रही है। तो ये दो प्रोविजन लॉन्गिट्यूडल छड़ों के लिए है। ठीक है, ये प्रोविजन जो है लॉन्गिट्यूडल छड़ों के लिए है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपके लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट प्रोविजन किसके लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए बीम को आरसीसी बिल्डिंग। दूसरा प्रोविजन हम देखेंगे स्टिरप्स के लिए, स्टिरप्स के लिए देखेंगे। देखिए स्टिरप्स का काम क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि स्टिरप देखो एक तो बकलिंग को रोकता है, भाई जो आपके लॉन्गिट्यूडनल छड़े हैं वो बकल ना हो उनको बांधे रखता है इसलिए। दूसरा काम क्या करता है, शीयर फेलियर को रोकता है, शीयर फेलियर जो 45 डिग्री एंगल पर कॉलम के पास जो क्रैक आता है उसको बोलते हैं शीयर फेलियर, तो उसको रोकता है। तीसरा काम क्या करता है, कॉन्क्रीटिंग को बांधे रखता है, कॉन्क्रीटिंग को बाहर नहीं आने देता। तो ये सारे काम जो है स्टिरप्स के हैं। तो स्टिरप्स के लिए प्रोविजन क्या है वो देखेंगे। तो देखिए स्टिरप्स में क्या होता है, तो पहला प्रोविजन स्टिरप्स का ये कहता है कि जो स्टिरप्स का डायमीटर है, तो मैंने आपको ये तो पहले बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल छड़े जो हैं उसका डायमीटर अधिक होता है स्टिरप्स की तुलना में, स्टिरप्स का कम होता है। तो स्टिरप्स का कितना क्या होता है, देखो यदि आपकी बीम की लेंथ 5 मीटर या उससे कम है तो आपको स्टिरप्स का डायमीटर लेना है 6 mm तक। ठीक है, 6 mm का लेना है उससे अधिक। यदि आपके बीम की लंबाई 5 मीटर से भी अधिक है तो आपको स्टिरप्स का डायमीटर लेना है 8 mm। ठीक है, पहला प्रोविजन तो यह है। ये सारे प्रोविजन आपके IS कोड 13920 में दिए हुए हैं, आप चाहे तो कोड को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोविजन कहता है कि स्टिरप्स को आपको लॉन्गिट्यूडल बीम से 135 डिग्री हुक पर बांधना है ताकि भूकंप आने के समय ये स्टिरप्स खुले नहीं। तो किस तरह से, जैसे आपके ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई 4 बीम,
इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देखो स्टिरप्स जो आप बांधोगे, यहाँ पे चारों ओर आप स्टिरप्स बांधोगे, तो इसके जो कॉर्नर हैं यहाँ पे आपको इसको मोड़ के इस तरह से 135 डिग्री का एंगल बनाना है। जो एंगल है 135 डिग्री के एंगल पर हुक को मोड़ना, ये जो आपकी छड़ गई है इसको आपने यहाँ से 135 डिग्री मोड़ दिया। तो इस तरह के हुक बना के आपको यहाँ पे इसको इनको बांधना है 135 डिग्री के हुक पर, ताकि भूकंप के समय ये हुक खुले नहीं, स्ट्रप्स खुले नहीं और ये मजबूती से लॉन्गिट्यूडल बार्स को पकड़े रहें। तीसरा प्रोविजन है कि इनके स्टिरप्स के जो अंतराल हैं वो आप सही रूप से गणना करके ही प्रोवाइड कराएं, मन चाहे जैसे नहीं प्रोवाइड कराना है, इसको कोड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराना है। क्या कहता है कोड? कोड कहता है कि एक तो कॉलम के पास जो स्टिरप्स गैप्स है वो कम रखने हैं, कितनी लंबाई तक, जितनी बीम की गहराई है। सपोज बीम की गहराई डी है तो उसकी दुगनी गहराई तक यानी 2D लंबाई तक आपको कॉलम के पास दोनों तरफ स्टिरप्स का गैप कम रखना है, जबकि मध्य लंबाई, बीम की मध्य लंबाई में आप स्टिरप्स गैप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखिए कितना रखना चाहिए गैप, जो आपके कॉलम के पास है जहाँ पे आपको मध्य अंतराल स्टिरप्स का कम रखना है, वहाँ आपका गैप जो है DY4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मध्य में जहाँ पे आपको स्टिरप्स गैप बढ़ा सकते हो वहाँ पे भी आपको गैप DY2 से अधिक नहीं रखना है। D क्या है यहाँ पे? बीम की गहराई, डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है, इसे हम D बोल रहे हैं। देखिए ये है D। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन है स्ट्रिप्स के लिए। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखिए कि देखो जनरली आपकी जो छड़े आती हैं रेनफोर्समेंट की वो 12 मीटर से लेकर 14 मीटर तक आती हैं, और आपकी यदि बीम बहुत ज्यादा लंबी है तो आप क्या करते हो, उन छड़ों को बांधते हो कॉर्नर पे, ओवरलैप करते हो। तो जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है, जो जिसे आपने बांधा है, वो आपको ध्यान रखना है दो चीजों का। पहला कि वो आपके कॉलम के पास ना आए, ओवरलैपिंग वाला हिस्सा। दूसरा, आपके टेंशन फेस पर निचली तरफ बीच में हिस्से पे जहाँ पे क्रैक्स आते हैं, बकलिंग होती है, वहां ना आए। तो इन दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप दो लंबी छड़ों को ओवरलैप करके बांधते हो तो इन दो जगहों पर वो जो हिस्सा है वो ना आ पाए, क्योंकि ये हिस्सा कमजोर होता है तो यहाँ पे ये दिक्कत करेगा। तो देखिए जो भी हमने इसमें बीम्स के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए जो प्रोविजन पड़े हैं, इसके लिए मैं एक PDF भी आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगी। हिंदी में है, आप उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें सारी चीजें दे रखी हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आप कोड नंबर 13920 डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है, RCC बिल्डिंग को भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए बीम में रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, वो आप PDF में भी पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक मैं वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रही हूँ, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF बहुत ही कम साइज की है, 100 KB के आसपास, आप सबको डाउनलोड करके जरूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू।